हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक ट्री। ये जो मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक ट्री है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत ईजी है और इसका पॉइंट वाइज इसका आंसर बहुत अच्छा है। तो क्या होता है मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक ट्री? ए फाइलोजेनेटिक ट्री इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। बोला जा रहा है ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है, एक तरह का ये डायग्राम होता है, एक आरेख होता है जो एक कॉमन एंसेस्टर से, सामान्य पूर्वज से, जो ऑर्गेनिज का जो मतलब एक सामान्य एंसेस्टर, सामान्य पूर्वज से प्राप्त जो एक ऑर्गेनिज जो होता है उसके बीच का जो प्रजाति जो होता है उसके विकासवादी जो संबंध को क्या करते हैं उसको फाइलोजेनेटिक ट्री करता है। मतलब जिसको एक कॉमन एंसेस्टर से फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ, वो जो जैसे सीक्वेंस वाइज जो चेंज हुआ उसको फाइलोजेनेटिक ट्री द्वारा उसको दिखाया जाता है। फाइलोजेनेटिक ट्री आर हाइपोथेसिस नॉट डेफिनेट फैक्ट। ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है एक परिकल्पनाएं है, मतलब एक कल्पना तरह का है, ये निश्चित तथ्य इसका नहीं है। द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक ट्री वॉज क्रिएटेड बाई एडवर्ड हिचकॉक एज पैलियंटोलॉजिक चार्ट। ये जो पहला फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो क्रिएट किया गया था एडवर्ड हिचकॉक के द्वारा 1840 में, वो भी एक पैलियंटोलॉजिस्ट चार्ट के द्वारा वो मतलब बताए थे इसके बारे में, फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। चार्ल्स डार्विन पॉपुलराइज्ड इट और चार्ल्स डार्विन ने इसको और अच्छे से इसको बताया था, मतलब एक होता ना एक तरह से लोकप्रिय बनाया इस टॉपिक को चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, आखिर कैसा स्ट्रक्चर होता है फाइलोजेनेटिक ट्री का? तो ये टिपिकल फाइलोजेनेटिक ट्री हैज फोर पार्ट। एक मतलब फाइलोजेनेटिक ट्री का जो होता है चार भाग होता है, जिसमें क्या होगा, पहला तो रूट होता है, दूसरा ब्रांचेस, तीसरा नोड्स एंड डी लीव्स। उसके बाद ऐसे आप फिगर में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि कैसे फाइलोजेनेटिक ट्री को उस टाइम मतलब डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, कितने तरह का फाइलोजेनेटिक ट्री होता है? द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। पहला रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री, सेकेंड अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री, थर्ड बायफर्केटिंग ट्री, मल्टीफर्केटिंग ट्री, डेंड्रोग्राम, क्लेडोग्राम, फिनोग्राम, फाइलोग्राम, क्रोनोग्राम, रेमेरोग्राम और डेलोजेनोग्राम। क्या होता है पहला रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री? तो फाइलोजेनेटिक ट्री विद रूट इज कॉल्ड द रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री। बोला जा रहा है वैसा फाइलोजेनेटिक ट्री जिसके साथ रूट होता है उसको कहा जाता है रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री। द रूट इज द कॉमन एंसेस्टर फॉर द ऑल द क्लेड्स इन द ट्री। जितने भी क्लेड्स होते हैं उस ट्री का, उसका कॉमन एंसेस्टर होता है रूट। ऑल द ब्रांचेज कन्वर्ज द रूट, जितने भी ब्रांचेज जो निकलते हैं वो रूट से निकलते हैं। उसके बाद अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री, अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री हैज नो रूट। जो अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्रीज होता है उसका रूट नहीं होता है। द एंसेस्ट्री इज नॉट नॉन, उनका जो पूर्वज होता है उसके बारे में भी ठीक से पता नहीं रहता है। इट इज इनर नोड्स एंड लीव, इनके जो होते हैं अंदर के नोड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, डेट मीन्स स्पेसिस होते हैं, बट विदाउट ए रूट, लेकिन रूट नहीं होता, एंसेस्टर नहीं होता उसका। इट इज जनरेटेड फ्रॉम ए रूटेड ट्री बाई ओमिटिंग द रूट। ये जो होता है ये जनरेट होते हैं रूटेड ट्री से। अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री में इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है। मल्टीफर्केटिंग ट्री, इट हैज मैनी लीव्स अराइजिंग फ्रॉम सम नोड्स। ये जो सॉरी उसके बाद बायफर्केटिंग ट्री, बायफर्केटिंग ट्री हैज लीव्स अराइजिंग फ्रॉम ईच इनर नोड। ये जो बायफर्केटिंग ट्री जो होता है इनका मतलब जो नोड होता है ना वो पत्तियां से निकलता है। बायफर्केटिंग ट्री में आपको इस फिगर को ड्रॉ करना है। मल्टीफर्केटिंग ट्री, इट इज मेनी लीव्स अराइजिंग फ्रॉम सम नोड्स। इसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं और जो नोड्स से अराइज होते हैं कुछ नोड्स से। मल्टीफर्केटिंग ट्री में आपको इस फिगर को ड्रॉ करना है। उसके बाद डेंड्रोग्राम, डेंड्रोग्राम इज ए कॉमन नेम फॉर एनी टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। डेंड्रोग्राम जो होता है एक सामान्य नाम होता है किसी भी तरह का फाइलोजेनेटिक ट्री का।
उसके बाद क्लेडोग्राम, क्लेडोग्राम इज ए फाइलोजेनेटिक ट्री जनरेटेड बाय क्लेडेस्टिक मेथड। ये जो क्लेडोग्राम जो होता है एक तरह का फाइलोजेनेटिक ट्री होता है, लेकिन ये जनरेटेड होता है एक क्लेडेस्टिक मेथड के द्वारा, ये मतलब इसको उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद फिनोग्राम, फिनोग्राम इज ए फाइलोजेनेटिक ट्री जनरेटेड बाय फेनेटिक मेथड। ये जो फिनो मतलब ये जो फिनोग्राम जो है ये भी फाइलोजेनेटिक ट्री होता है और इसको जनरेटेड किया जाता है फेनेटिक मेथड्स के द्वारा। उसके बाद फाइलोग्राम, फाइलोग्राम इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री दैट हैज़ ब्रांच स्पैन प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज। ये जो फाइलोग्राम जो होता है एक तरह का ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री होता है जिसमें ब्रांच जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कि कैसे कैरेक्टर चेंज हुआ है, कैरेक्टर का चेंज के अमाउंट से वो प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच का। उसके बाद क्रोनोग्राम, क्रोनोग्राम इज ए फाइलोजेनेटिक ट्री दैट हैज़ ब्रांच स्पैन प्रोपोर्शनल टू इवोल्यूशनरी ट्री। और ये क्रोनोग्राम जो होता है फाइलोजेनेटिक ट्री होता है ये क्या करता है, ये ब्रांच जो होता है वो स्पेन करता है, प्रोपोर्शनल करता है इवोल्यूशनरी टाइम के साथ, ये समय के साथ इसको प्रोपोर्शनल किया जाता है। उसके बाद लास्ट, उसके बाद है रोमेरोग्राम, ए फाइलोजेनेटिक ट्री जनरेटेड बाय ए अमेरिकन प्लेंटोलॉजिस्ट एल्फ्रेड रोमर इज कॉल्ड रोमेरोग्राम। ये जो रोमेरोग्राम जो है ये एक तरह का फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसको डिस्क्राइब किया गया था, जनरेटेड किया गया था एक अमेरिका के पैलेंटोलॉजिस्ट के द्वारा एल्फ्रेड रोमर, जिसके मतलब जिसी की वजह से इसका नाम रखा गया है रोमेरोग्राम। इट रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन एंड अबाउंडेंस ऑफ द वेरियस टैक्सा थ्रू टाइम। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इवोल्यूशन को, विकासवाद को, और साथ ही साथ विभिन्न मतलब अलग अलग जो टैक्सा है टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद डेलीग्रेनोग्राम, इट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। ये जो है एक तरह का क्रॉस सेक्शन होता है फाइलोजेनेटिक ट्री का। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, आखिर फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब क्या महत्व रहा। तो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के प्रक्रिया को समझने में हेल्प मिला इससे। टू अंडरस्टैंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ इसको समझने में हेल्प मिला। टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट का जो ओरिजिन हुआ उसको पता लगाने में हेल्प मिला। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ डिजीज, और कैसे मतलब डिजीज का ओरिजिन हुआ उसको भी समझने में इससे हेल्प मिला।